ना ये हम दोनों के ये जो हमारे पेट होते हैं या हमारे स्ट्रीट डॉग हैं मतलब पेट्स के लिए, ये मेरे पास थोड़ा सा कपूर है और नारियल का तेल है। हाँ और ये इसको ना एलर्जी हो रखी है ऐसे करके, ये देखो दिखाओ सुल्तान, ये इसकी एलर्जी कहाँ गई, ये कट करके आया था ना यहाँ पर थी, ये देखो ये रही इसकी, ये नीचे यहाँ पर इतना का ये कट लगा के आया है। तो मैं इसको नारियल के तेल से मालिश करूंगी, मैं अपने इसकी पैड की ना नारियल के तेल से मालिश करती हूँ कि इसके ना वो कपूर से तो इसको इन्फेक्शन कम होता है, गर्मी भी कम लगती है, कपूर ठंडा होता है ना और इन्फेक्शन भी खत्म करता है, और नारियल के तेल से ना इसके हेयर्स जो है ना झड़ते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर ये ऐसे मालिश करके ना फिर हम इसको नहलाते हैं अपने इसको, तो ये भी अच्छा फील करता है, इसको खारिश कम होती है इसको तेल लगवाने के बाद। काम बेटा काम, काम हेलो सुल्तान। हेलो हेलो बोलो सुल्तान। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्ट्रे डॉग, है ना? आओ काम 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 काम। हेलो सुल्तान। अभी ना इसको ये थोड़ी सी इसकी आईज में भी इन्फेक्शन सा कुछ मेरे को लग रहा है, ये इसके ना यहाँ कोई खारिश वगैरह हुई थी तो इसको यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं इसकी आँख ना बोरिक एसिड से धोऊंगी। इसको धोने के बाद इसे पानी से थोड़ा सा मिला लूंगी चुटकी भर। मैंने अपना पैरेट भी ऐसे ही सही करा था, वो बिल्कुल ब्लाइंड था, उसको बिल्कुल नहीं दिखता था, तो मैंने उसकी डेली कंटिन्यू नारियल के तेल से मालिश करी उसकी आंखों की, फिर बोरिक एसिड से धोया और फिर उसमें मैंने ये वाली दवाई डाली थी। पहले भी मैंने इसका बताया है, मैं इसका कवर दिखा देती हूँ, इसका कवर दिखा देती हूँ आपको, अगर किसी स्ट्रे डॉग को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उसको डाल दें, उसको दिखना शुरू हो जाएगा। है ना, ये वाली दवाई थी सिप्लॉक्स, सिप्लॉक्स दवाई थी। यहाँ पर हमारे यहाँ एक गली में भी एक कुत्ता ऐसे ही था, परेशान था आंखें, उसे दिख नहीं रहा था। ये बोरिक एसिड के पानी से इसे धोने के बाद ये अच्छे से, तो इसकी जो खारिश ही निकल जाएगी, इसको आईज में पानी आ रहा है आजकल, और जब ये पानी आता है ना तो चारों तरफ जम के ना और भी पैट्स में या और भी आसपास हमारे जो होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो मैं इसको ऐसे दवाई डाल देती हूँ। नहीं ठीक है, तो ये ना फिर अब इसकी आईज ठीक हो जाएगी। ज्यादा महंगी दवाई नहीं आती, सिर्फ 15 रुपीज की आती है, लेकिन एक जानवर को एक पेट को एक लाइफ मिल जाती है। तो आप प्लीज अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें, उनको सर्विस दें। तो अपने जानवरों का ध्यान रखें इस तरीके से, है ना, और उनको प्यार करें, उनको मतलब एक लाइफ दें, तो आपका एनवायरनमेंट आसपास का भी साफ रहेगा। अगर हमारे आसपास कोई ऐसे इंजर्ड पैट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे डॉग होते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होता है, उनको दिखता नहीं है, वो इधर उधर सड़के मर जाते हैं, कीड़े वीड़े पड़ते हैं, तो उससे इनका फ्रेश एनवायरनमेंट, हम आने वाली जनरेशन को सेव कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ से जितनी भी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं उनको भी सेव करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज आप अपने स्ट्रे डॉग की पैट्स की केयर करें, आंखों की केयर करें, इस तरीके से उनको इन्फेक्शन से बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सुल्तान।